एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय लाइफ और मैं हूं खुशी। आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूं एक अमेजिंग सा जॉब अपॉर्चुनिटी, वो भी आया हुआ है LIC कंपनी की तरफ से। तो यहां पे इन डिटेल में देख लेते हैं कि कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है एंड जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन है पूरा इन डिटेल में देख लेते हैं। तो वीडियो को कहीं पर भी स्किप ना करें, वीडियो एंड तक जरूर देखें। और आपको वीडियो अच्छा लगता है और भी ऐसे जॉब रिलेटेड वीडियो से आप हर दिन अपडेट रहना चाहते हैं, देन मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो लेट्स सी द जॉब डिटेल्स। ये वैकेंसी आई हुई है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन रिक्रूटमेंट 2022 से। तो पे आपकी जॉब रोल होने वाली है डेटा एंट्री कम बैक ऑफिस का आपको प्रोफाइल होने वाली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स यहाँ पे दोनों भी अप्लाई कर सकते हैं। कौन से भी आप स्टेट से बिलोंग करते हो, सिटी से बिलोंग करते हो, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो गाइस। तो यहाँ पे आपको काम क्या करना पड़ेगा, ये एक डेटा एंट्री कम बैक ऑफिस वर्क है, यानी कि जो भी कस्टमर्स के जो भी लाइफ इंश्योरेंस के होते हैं उनका पूरा प्रॉपर डेटा आपको मेंटेन करना पड़ता रहता है एवरी डे। जो भी नए पॉलिसीज लेते हैं उन लोगों का पूरा अपडेट में आपको नेम्स, उनका जो एड्रेस है, सब कुछ आपको डेटा एंट्री कर, पूरे फाइल्स आपको मेंटेन करने पड़ते हैं, सिस्टम पे आपको रिकॉर्ड मेंटेन करनी पड़ती है गाइस। आपको डेटा एंट्री काफी अच्छी आती है, टाइपिस्ट जॉब आपने किया हुआ है तो ये जॉब आपके लिए बहुत ही ज्यादा परफेक्ट रहेगी और आपको एक एडेड एडवांटेज भी होगा गाइस जॉब सिलेक्शन के लिए। तो जरूर अप्लाई करिएगा, आप क्राइटेरिया को मीट करते हैं जो भी जॉब रिक्वायरमेंट हो देन प्लीज जरूर अप्लाई कर लीजिए, आपको जॉब आने के चांसेस काफी ज्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन रिक्रूटमेंट 2022 एंड आपकी जॉब प्रोफाइल है डेटा एंट्री कम बैक ऑफिस पोस्ट यहाँ पे है। तो और नीचे आते हैं एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे सैलरी आपके होने वाली है मिनिमम 35,000 से लेके आपको 1,20,000। तो यहाँ पे बेसिक सैलरी स्टार्ट होती है 35,000 से ही, यहाँ पे स्टार्ट होती है गाइस। काफी अच्छी जॉब ओपनिंग है, सैलरी भी काफी अच्छी आपको मिलने वाली है क्योंकि डेटा एंट्री में इतना अच्छा हाई सैलरी, वहां से लेके आपको जो भी डिपेंडिंग अपॉन आपके जो परफॉर्मेंसेस एंड जो भी वर्क क्राइटेरिया के ऊपर डिपेंड होगी आपको 1,20,000 पर मंथ यहाँ पे मिलने वाला है। तो इससे बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी और कहीं नहीं होगी गाइस। तो नीचे आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे कैंडिडेट शुड हैव एनी ग्रेजुएशन, तो यहाँ पे कोई भी ग्रेजुएशन चलेगा। बीईडी आपको होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे आपको MBA भी चलेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन पे भी चलेगा, ग्रेजुएशन पे भी चलेगा, BED करके रहने से भी चलेगा गाइस। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइप दिखा रहा है फुल टाइम, पार्ट टाइम, वर्क फ्रॉम होम, जो भी यहाँ पे इनके जो जॉब्स है प्रेजेंटली यहाँ पे। तो नीचे आते हैं आपको कैसे अप्लाई करनी है क्या है, तो यहाँ पे नीचे आते हैं तो और भी काफ़ी सारे हैं, बट यहाँ पे अगर नीचे आप यहाँ पे देखते हैं तो और नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पे जॉब की डिटेल्स मिलती है गाइस। तो एज यू कैन सी हियर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हैज़ पोजिशन ओपन फॉर डेटा एंट्री कम बैक एंड ऑफिस पोस्ट इन अक्रॉस इन इंडिया। तो पूरा ओवरऑल इंडिया में पूरा है। ऑल पोजिशन रिक्वायर्ड अ मिनिमम ग्रेजुएट एनी ग्रेजुएट BED एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और इंडिया और अब्रॉड। तो क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन इज एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी ये जॉब क्लोज होने वाला है तो मेक श्योर आप जितना जल्दी ये वीडियो देखते हैं उतना जल्दी आप अप्लाई कर लेते हैं तो वो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। इंटरेस्टेड पीप, तो यहाँ पे आपको रेज्यूम एंड उसके साथ, तो यहाँ पे ऑनलाइन पे आपको अप्लाई करनी पड़ती है, ऑनलाइन रेज्यूम आपको सेंड करनी पड़ती है, उसके साथ कवर लेटर भी यहाँ पे है। तो रेज्यूम मेक श्योर कि बहुत ही अच्छे से आप हाईलाइट करें उन चीजों को ताकि आप जो जल्दी आपको लेने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो मेक श्योर रेज्यूम काफी अच्छा तरीके से उसमें कुछ पॉइंट्स ऐड कर दीजिएगा डेटा एंट्री वर्क को रिलेटेड, कि आपको एक्सपीरियंस है तो वो वाले पॉइंट्स हाईलाइट कर दीजिएगा वहाँ पे। तो और नीचे आते हैं, इसका जो लिंक होता है तो पोस्ट नेम डेटा एंट्री कम बैक ऑफिस। तो यहाँ पे मिनिमम एज 18 इयर्स से लेके यहाँ पे मैक्सिमम एज 60 इयर्स यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो 60 इयर्स ऑन द इंटरव्यू सिलेक्शन कैसा होगा, तो यहाँ पे ऑन द इंटरव्यू बेसिस, तो सिलेक्शन आपका इंटरव्यू बेसिस पे ही होगा, मोड पूरा ऑनलाइन यहाँ पे देखा गया। तो ऑनलाइन वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दिया गया है LIC का, तो यहाँ आप क्लिक करते हैं इट विल रीडायरेक्ट टू अनदर पेज। तो लोडिंग होने में थोड़ी सी यहाँ पे टाइम ले रही है। ऑल राइट, सो यहाँ पे आपको कुछ इस प्रोफाइल आपको देखने को मिलेगा जब आप अप्लाई नाउ में करते हैं। अगर आपने monster.com में अकाउंट बनाए हुए तो आप डायरेक्टली वहां से अप्लाई कर सकते हैं। इफ नॉट आप यहां पे देख सकते हो साइन अप विद गूगल और साइन अप विद फेसबुक, तो कौन सा भी ऑप्शन आप यहां पे सेलेक्ट कर सकते हो। यू कैन अपलोड योर रेज्यूमे हियर, नाम मेंशन कर देना और अपना ईमेल ID, पासवर्ड एंड जो फोन नंबर, करंट लोकेशन, टोटल एक्सपीरियंसेस, की स्किल्स, जो भी आपके कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, टाइपिंग की जो स्पीड होती है वो मेंशन कर सकते हैं एंड बैक ऑफिस के भी जो भी ऐसे चीज़ें होते हैं वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं।
प्रिफर्ड इंडस्ट्री एंड नेक्स्ट यहाँ पे एक बार देख लेते हैं प्रिफर्ड इंडस्ट्री में क्या क्या आती है। तो इसमें काफ़ी सारे कैटेगरीज है, जो भी आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं रखती हूँ बैंकिंग, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। तो और दूसरा है कि और नीचे जाके देखते हैं कि क्या है इसके अंदर। तो यहाँ पे फैकल्टी मैनेजमेंट में यहाँ पे रख लेती हूँ। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट पूछा गया है, तो डिपार्टमेंट में आते हैं तो एडमिन एंड फ्रंट ऑफिस का रख लेते हैं और उसके साथ ही साथ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का भी रख लेते हैं। प्रिफर्ड रोल्स, यहाँ पे रोल्स है कि अकाउंटिंग सर्विसेस एंड तो और नीचे आते हैं तो काफ़ी सारे हैं यहाँ पे ऐसे। तो इसमें से कौन से भी आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल कुछ ना कुछ मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेती हूँ एंड बिजनेस एनालिस्ट में यहाँ पे कर लेती हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे ईमेल आईडी, जो भी आप आपकी ईमेल आईडी देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देती हूँ। एंड फ़ोन नंबर भी बहुत ही करेक्ट नंबर आप मेंशन करना, ठीक है, क्योंकि जब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब भी आप इस क्राइटेरिया से मीट करते हैं, वो लोग समझते हैं कि डिजायर्ड कैंडिडेट ये है, तो दे विल ट्राई टू कॉन्टैक्ट यू थ्रू फोन नंबर और थ्रू ईमेल। तो मेक श्योर ईमेल एंड जो कॉन्टैक्ट नंबर, कुछ तो टाइम लगेगा आपको पूरा फिल्टर करने में, तो मेक श्योर आपका तो 1 से लेकर 2 वीक्स तक तो टाइम लग जाता है, इफ नॉट आपको 10 डेज के अंदर ही आपको रिवर्ट आ जाएगा इनकेस इफ यू आर गॉट सेलेक्टेड और क्राइटेरिया से मीट करते हैं। तो नेक्स्ट ईयर जो भी इंटरव्यू के प्रोसेस के लिए वो लोग आपको मेल करते हैं, इफ नॉट आप कॉल करके वो लोग बता देते हैं। सो मेक श्योर ईमेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट नंबर करेक्टली आप एक बार क्रॉस चेक करके दें और उसके बाद आप यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो गाइज। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो, मैंने पूरा इन डिटेल में बताया है जॉब के बारे में, कैसे अप्लाई करनी है, सब कुछ मैंने शेयर करी थी। तो कोई भी ऐसा अपॉर्चुनिटी मिस मत करना गाइज, क्योंकि अगर आपके नसीब में है तो जरूर आपको जॉब आएगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। एज यूजुअल वीडियो को लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलती हूँ एक अच्छे वीडियो के साथ गाइज, बाय।